और देश भर में भगवान गणेश विसर्जन की झांकियों का दौर देखने को मिला है। शहर इससे गुलजार देखने को मिला है। शहर के प्रमुख मार्गों से करीब 35 विसर्जन झांकियां निकाली गई है। गणेश पर्व के अंतिम दिन राजनांदगांव जिला मुख्यालय में विसर्जन झांकियां निकाली गई। झांकियों को देखने के लिए जिले भर से दर्शक पहुंचे। पुलिस की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में शहर मुख्यालय के विभिन्न मार्गों से नयनाभिराम झांकियां निकली जा रही है। शहर के व्यस्ततम क्षेत्र भारत माता चौक, दुर्गा चौक, मंदिर चौक में दर्शकों की भारी भीड़ देखने को मिली है। अभी देखिए गणेश विसर्जन के अवसर पे जैसा कि परंपरा रही है, राजनांदगांव में बड़ी संख्या में बड़ी बड़ी झांकियां निकलती हैं। तो यहाँ अभी आज इस साल पिछले साल की तुलना में ज़्यादा झांकियां हैं, टोटल 35 झांकियां हैं। इसको देखते हुए हमारे पुलिस विभाग तथा प्रशासन ये दोनों की ओर से पर्याप्त व्यवस्था की गई है। पर्याप्त बल हमारे पास हर चौक चौराहे पर लगाए गए हैं। हमने इससे पहले जो झांकी समिति है उसकी भी बैठक ले चुके हैं और सबसे आग्रह किया है कि जल्दी जल्दी झांकियों को निकालें ताकि जाम की स्थिति ना हो। और एडिशनल एसपी सर के साथ, डीएसपी साहब के साथ और एडीएम मैडम के साथ भी हमने बैठक की है, जिसमें हमने सबको एक रूट बताया है, उस रूट से गाड़ियां निकलेंगी। तो आशा है लोग झांकियों का आनंद लेंगे और शांतिपूर्वक आनंद लेंगे। अगर कुछ स्थिति खराब होती है तो हम लोग हमेशा मौजूद रहेंगे। तो अनंत चतुर्दशी की बहुत बहुत बधाई। राजनांदगांव झांकी और हाकी के नाम से प्रसिद्ध है। राजनांदगांव की झांकी नयनाभिराम होती है। यहाँ की जनता इतनी उत्सुक होती है कि एक एक व्यक्ति गणेश का स्थल भी देखिएगा तो सजावट बहुत सुंदर था।